बिहार की सियासत में आज की रात जो है वो कयामत की रात है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार तमाम दलों में जो है सियासी हलचल सी है और अपने विधायकों को सेव करने की होड़ सी मची हुई है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से पटना आते हैं और पटना आने के बाद तेजस्वी आवाज जाते हैं, लेकिन तेजस्वी आवाज से भी ये जानकारी प्राप्त हो रही है जो कांग्रेस के विधायक बाहर निकल गए हैं। अब कहाँ गए हैं ये भी जानकारी लेंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव की भी तेजस्वी आवास में एंट्री होती है। कैसे देखते हैं आज की रात को, कल फ्लोर टेस्ट होना है और इस तरह की चीजें होती है, कांग्रेस के विधायक आते हैं फिर निकल जाते हैं, लालू यादव की भी एंट्री होती है सर? देखिए अंशु, पल पल तस्वीरें बदलती जा रही है, पल पल अपडेट सामने आते जा रहे हैं और सब कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अब से लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब 11 बजे रात की बात करते हैं, 11 सवा 11 बजे के आसपास की तस्वीरें सामने आती है, अपडेट सामने आता है कि अचानक कांग्रेस के 16 विधायक पहुंचे थे तेजस्वी आवास पर। आज ही हैदराबाद से आए थे, वो कुछ घंटे ही रुके थे, लेकिन अचानक सारे विधायक वहां से निकल करके बाहर चले गए। कहां गए, क्यों गए, किसी को कुछ पता नहीं है। बस एक लाइन कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में हम लोग जीतेंगे, अन्याय की हार होगी, न्याय की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। राजेश राठौर जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, सीनियर नेता है, उन्होंने बयान दिया। अजीत शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुमत साबित करेंगे, हम लोग जीतेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। हालांकि ये पूछा गया कि अचानक गए थे आप लोग और अचानक क्यों निकले, तो इसका कोई आंसर नहीं था उनके पास। और उन्होंने सुरक्षा कारणों से ये भी बताने से इनकार किया कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं। लेकिन जी 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 लेकिन ये डेवलपमेंट तब सामने आया जब पटना पुलिस वहां पहुंची, पटना पुलिस वहां पहुंची, उसके जी बाद वहां से निकली और उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस के विधायक वहां से निकल पड़े। अब उसके बाद जो बीच में और नया जो नई जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि पटना पुलिस शायद अंशुमान आनंद ने जो शिकायत की थी पाटलिपुत्रा थाना में, उस जी शिकायत के संबंधित पूछताछ करने गई थी वहां जी पर। और चेतन आनंद ने, खबर ये भी सामने आ रही कि चेतन आनंद ने पुलिस को बताया है कि मैं अपनी मर्जी से हूं, मैं आरजेडी का विधायक हूं, मैं कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है या मुझे जबरदस्ती रखा गया है। और उसके बाद पुलिस ने जब ये समझ लिया, संतुष्ट हो गई पुलिस, तब वहां से पुलिस निकली है। लेकिन उसके ठीक बाद इधर पुलिस निकलती है और उधर उसके ठीक बाद कांग्रेस के विधायक भी वहां से निकल जाते हैं। तो क्या, आखिर सवाल ये भी उठता है कि जब वहां रहना ही था तो फिर क्यों गए विधायक? क्यों गए? हाँ बिल्कुल। हाँ, और जब निकलना ही था तो क्यों गए, और जब रहना था तो क्यों निकले? तो ये सवाल तो उत्पन्न करता है, क्या इस बिल्कुल बीच में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नया फरमान आया है, कुछ नई डील हुई है, कुछ नई बात हुई है? ये सब कुछ रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है और इस रहस्य का रहस्योद्घाटन तब होगा जब फ्लोर टेस्ट में किसका पलड़े में क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बहुमत साबित करता है, किसके पक्ष में कितने विधायक रहते हैं, कौन एबसेंट होता है, कौन क्रॉस वोटिंग करता है, ये सब जब नतीजा सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन खेला तो चल रहा है और खेला चल ही नहीं रहा है बल्कि अपने एक्सट्रीम पे है, चरम पर है। सब लोग कोशिश करने में लगे हैं किसी तरीके से, महागठबंधन किसी भी कीमत पर चाहता है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित न कर पाए, और नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है बीजेपी के लिए भी कि किसी भी सूरत में हम बहुमत साबित करेंगे, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। हालांकि जेडीयू के विधायक भी चाणक्या जी होटल में शिफ्ट किया गया उन लोगों को, और बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि विजय सिन्हा के आवास से बीजेपी विधायक को भी होटल में शिफ्ट किया गया है और सब जी लोग अब होटल से ही डायरेक्ट बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा। एक तरफ जो तेजस्वी आवास पे है राजद विधायक, वहां से डायरेक्ट विधानसभा पहुंचेंगे, चाणक्या होटल से जेडीयू विधायक पहुंचेंगे, एक होटल में जो रखा गया है बीजेपी विधायक को वो वहां से विधानसभा पहुंचेंगे अब, और कांग्रेस के विधायक भी जो जहां है वो भी होटल से डायरेक्ट पहुंचेंगे विधानसभा। माझी के विधायक भी, 4 विधायक है, उन पर भी विशेष नजर रखी जा रही है कि कहीं लास्ट टाइम में कुछ ना हो। हालांकि माझी ने व्हिप जारी कर दिया है, सब सब लोग व्हिप जारी कर रहे हैं, छोटी पार्टी के अगेंस्ट में कोई ना इधर उधर ताक झाक कर सके, वोटिंग कर सके। लेकिन नियम है कि
व्हिप जब बहुमत साबित करने की बात आती है तभी लागू होता है, व्हिप जो स्पीकर होता है उसके चुनाव में नहीं लागू होता है। यानी कि क्रॉस वोटिंग की संभावना है इस विधानसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो उसी को लेकर शायद मनोज झा आशान्वित है, उनको भरोसा है, उनकी डील हो गई है, शायद बात हो रही है कि अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी पर खतरा नहीं है, इसीलिए वो सीना ठोक करके बोल रहे हैं कि बहुमत हमारे साथ है, 100 मतलब जितने चाहिए 122 विधायक अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में है। तो सब कुछ देखने वाली बात है, मुझे लगता है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, मध्य रात्रि होने वाली है और सुबह के बाद और गहमागहमी बढ़ेगी, लेकिन जो भी अंतिम मतलब रणनीति होगा, अंतिम रणनीति होगी, अंतिम तैयारी होगी, वो सब कुछ आज रात में ही फाइनल हो जाएगा अंशु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये जो रात है वो कयामत की रात है, और इस रात में देखने वाली बातें होंगी जो क्या कल की जो सुबह होती है, कल का जो सत्र होगा, जो फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें बहुमत सरकार साबित कर पाती है या फिर विपक्षी खेमे की तरफ से जो है क्या कुछ होता है, ये भी देखने वाली बातें होंगी। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे अभी टीवी के साथ।